हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने गवर्नर जनरल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, उसको मैंने लुसेंट से कवर किया है। और इसमें आप क्वेश्चंस को जो भी गवर्नर जनरल से जो जो से रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं उसको आप लर्न भी कर सकते हो और इस तरह अरेंज किया है कि आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, इसलिए आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, इसमें क्या है कि मैंने क्वेश्चंस 1 to 6 क्वेश्चन नंबर दे रखा है, ठीक है। और इसमें जो जो इसमें मेंशन है कि कौन सी घटना किस गवर्नर जनरल या वायसराय के टाइम पे हुई थी, ठीक है। तो इसमें इसका एक बेनिफिट ये है कि जैसे कि आप 1 to 6 सारे कुछ कर लो, करने के बाद आप क्या करो कि उसके बाद आप प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो बेनिफिट क्या होगा कि आप इस चीज़ को लर्न भी कर सकते हो और उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लर्न करने के बाद आप प्रैक्टिस कर, जैसे कि 1 to 6 का आंसर लेकर के आप देखते जाओ और आंसर करते जाओ, और फाइनली जब 1 to 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आप मैच कर लो कि कितने आपके आंसर करेक्ट हैं या फिर रॉन्ग हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और एग्जाम्स में आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें क्या है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एक किसके टाइम पे हुआ था। तो ऑप्शंस हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन सोर एंड लॉर्ड एमहर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो बंगाल का एशियाटिक सोसाइटी था, किसके टाइम में एस्टेब्लिश हुआ था। दैट्स द सेम आंसर, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन सोर एंड लॉर्ड एमहर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन है कि स्टॉप्ड मुगल पेंशन टू शाह आलम सेकेंड, मतलब किसके टाइम पे, किस गवर्नर जनरल के टाइम पे जो शाह आलम, जो मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड था, उसका पेंशन बंद कर दिया गया था। फिर वही सेम ऑप्शंस हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन सोर एंड लॉर्ड एमहर्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन है कि बंगाल गैजेट जो फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था, किसके टाइम पे हुआ था। तो इसके ऑप्शंस हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन सोर, लॉर्ड एमहर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार किसके टाइम पे हुआ था। दैट्स द सेम ऑप्शंस हियर, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन सोर, लॉर्ड एमहर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भागवत गीता, जो भागवत गीता था तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसके टाइम पे फर्स्ट टाइम हुआ था। तो क्या ऑप्शंस क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन सोर एंड लॉर्ड एमहर्स्ट। तो इन 1 से 6 तक के सारे के आंसर्स हैं आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आप फर्स्ट में क्या करो कि आप सारे क्वेश्चन एक एक करके देखते चले जाओ, ठीक है। उसके बाद आप इसको एज ए प्रैक्टिस यूज करो, क्योंकि आप लर्न करोगे भूल जाओगे तो उससे बेनिफिट आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने क्या किया कि सबके आंसर्स एक एक करके नहीं दिए, इससे बेनिफिट आपको होगा कि आप 1 to 6 वाले क्वेश्चंस को आप राइट कर लो, कहीं देख लो कि आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर्स हैं, उसके बाद आप आंसर को मैच करो, उसके बाद आपको फिर देखने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं, कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं। जो इनकरेक्ट है उसको जा करके आप फिर से करेक्ट कर सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 10 सारे क्वेश्चन एक एक करके दिए हुए हैं, और कौन कौन सी घटनाएं हैं, किस किस में घटना में कौन कौन से गवर्नर जनरल रहे हैं, और फाइनली इनका 7 से 11 तक का आंसर एक बार में दिया हुआ है, नीचे में आपको मिल जाएगा। तो इससे बेनिफिट होगा कि फर्स्ट आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, या फिर पहले से पढ़ा हुआ था डायरेक्टली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे भी हो सकता है कि आप फर्स्ट क्वेश्चंस को लर्न कर लो उसके बाद प्रैक्टिस कर लो। तब एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एस्टेब्लिश लोअर कोर्ट एंड एपिलेट कोर्ट किसके टाइम पे हुआ था। ऑप्शन से हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन सोर, लॉर्ड एमहर्स्ट। सेकेंड 8th क्वेश्चन है कि परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार एंड बंगाल इन 1793, जो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट हुआ था, स्थायी बंदोबस्त बिहार और बंगाल में किसके टाइम पे हुआ था। तो ऑप्शन है इसके वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन सोर, लॉर्ड एमहर्स्ट। 9th क्वेश्चन है कि थर्ड मैसूर वार किसके टाइम पे हुआ था, थर्ड मैसूर वार जो हुआ था किसके टाइम पे हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन सोर, लॉर्ड एमहर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, इंडिया में सिविल सर्विसेज किसके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब शुरू हुआ था।
ऑप्शन है इसके वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन शोर, लॉर्ड एमहर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड को किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने शुरू किया था, दैट ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन शोर एंड लॉर्ड एमहर्स्ट। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक का सबके आंसर्स कॉर्नवालिस हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 12, 13 एंड 14 देखते हैं, उसके बाद फिर इन तीनों का आंसर्स नीचे दिया हुआ है। तो एक ही करके पहले क्वेश्चंस देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर आंसर मैच करते हैं उसे। सो नाउ स्टार्ट। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन किसके टाइम पे हुआ था, ऑप्शन है हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन शोर, लॉर्ड एमहर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का चार्टर एक्ट किसके टाइम पे आया था, ऑप्शन है हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन शोर एंड लॉर्ड एमहर्स्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि बैटल ऑफ खारदा बिटवीन निजाम एंड मराठा, जो खारदा का युद्ध हुआ था निजाम और मराठा के बीच, वो किसके टाइम पे हुआ था, तो हमारे ऑप्शन हैं यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन शोर और लॉर्ड एमहर्स्ट। तो दोस्तों इन तीनों के आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14, 12, 13 और 14, तीनों के आंसर्स हैं जॉन शोर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं आप उसी पैटर्न पे, पहले क्वेश्चंस उसके बाद आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 15 में क्या, फर्स्ट एंग्लो बर्मिज वार, जो फर्स्ट अंग्रेजों और बर्मिज के बीच जो वार हुआ था किसके टाइम पर हुआ था, तो ऑप्शन हैं यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन शोर एंड लॉर्ड एमहर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, ट्रिटी ऑफ यांडबू, ट्रिटी ऑफ यांडबू किसके टाइम पे हुआ, जो यांडबू का संधि हुआ था किसके टाइम पे हुआ था, तो ऑप्शन है यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन शोर एंड लॉर्ड एमहर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के आंसर्स हमारे लॉर्ड एमहर्स्ट। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18, इन दोनों के आंसर्स नीचे रेड से मार्क किए हुए हैं, लेकिन पहले क्वेश्चंस देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आंसर कर लेते करते हैं उसका। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, ऑप्शन है हमारे बेंटिक, हार्डिंग, डलहौजी और फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि सप्रेशन ऑफ ठग, जो ठगों का जो नाश किसने किया था, तो ऑप्शन है यहाँ पे बेंटिक, हार्डिंग, डलहौजी और लॉर्ड लिटन। तो इन दोनों के आंसर से हमारे कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया मतलब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और क्वेश्चन नंबर 18 है कि ठगों का जो सप्रेशन किया था किसने किया था, तो इन दोनों के आंसर होंगे आपको बेंटिक ने किया था, किसने किया था, बेंटिक ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार, जो सिख और अंग्रेजों के बीच फर्स्ट वार हुआ था किसके टाइम पे हुआ था, तो ऑप्शन है यहाँ पे बेंटिक, हार्डिंग, डलहौजी और लिटन। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेकेंड एंग्लो सिख वार, जो अंग्रेजों और सिखों के बीच जो सेकेंड वार हुआ था किसके टाइम पे हुआ था, समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसमें कि बेंटिक, हार्डिंग, डलहौजी और लिटन। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि ट्रिटी ऑफ लाहौर, लाहौर का जो ट्रिटी हुआ था किसके टाइम पे हुआ था, मतलब लाहौर की जो संधि हुई थी किसके टाइम पे हुई थी, तो हुआ इसका ऑप्शन है बेंटिक, हार्डिंग, डलहौजी और लिटन। तीन तीनों का आंसर हैं आपको कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार, सेकेंड एंग्लो सिख वार और ट्रिटी ऑफ लाहौर, इन ये तीनों जो के जो ये तीनों घटनाएं जिसके टाइम पे हुई थी उस समय था वो हार्डिंग था। तो क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 तीनों के आंसर्स क्या होंगे, हार्डिंग होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 22, 23, 24, 25 और 26, इन सब के आंसर्स आपको नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस कर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके उसके बाद आंसर मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फुट डालो और शासन करो, ये किसकी नीति थी, ऑप्शन है हमारे बेंटिक, हार्डिंग, डलहौजी और लिटन। क्वेश्चन नंबर 23 है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच किसके टाइम पे हुआ था, जो चार्ल्स वुड डिस्पैच हुआ था किसके टाइम पे हुआ था, बेंटिक, हार्डिंग, डलहौजी और लिटन के टाइम पे, किस में से।
क्वेश्चन नंबर 24 है कि सेकेंड एंग्लो बर्मिज वार, जो सेकेंड अंग्रेजों और बर्मा के बीच जो वार हुआ था, किसके टाइम पे हुआ था? ऑप्शन से हमारे बेंटिक, हार्डिंग, डलहौजी और लॉर्ड लिटन। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे एंड थाने, जो बॉम्बे और थाने के बीच जो फर्स्ट रेलवे लाइन चली थी, वो किसके टाइम पर चली थी? तो ऑप्शन से हमारे बेंटिक, हार्डिंग, डलहौजी और लॉर्ड लिटन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 26 की, एस्टैब्लिश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो की स्थापना हुई थी, किसके टाइम पे हुई थी? तो ऑप्शन है यहाँ पे बेंटिक, हार्डिंग, डलहौजी और लॉर्ड लिटन। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, इन सब के आंसर्स डलहौजी हैं। तो डलहौजी के टाइम पे क्या हुआ था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ था, चार्ल्स ओट डिस्पैच हुआ था, सेकेंड एंग्लो बर्मा वार हुआ था, फर्स्ट रेलवे लाइन बिछी थी और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना हुआ। हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने गवर्नर जनरल से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, उसको मैंने लूसेंट से कवर किया है। और इसमें आप क्वेश्चंस को जो भी गवर्नर जनरल से से रिलेटेड जो भी घटनाएँ हैं उसको आप लर्न भी कर सकते हो, और इस तरह अरेंज किया है कि आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, इसलिए आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33, इन दोनों को पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इसके आंसर्स, क्योंकि वैसे भी इसके आंसर्स क्वेश्चन नंबर 32 और 33 के आपको रेड मार्क्स से नीचे दिया हुआ है। सो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी कि उसका स्थापना किसके टाइम पे हुआ था? ऑप्शन है हमारे रिपन, डफरिन, कर्जन और वेवेल। क्वेश्चन नंबर 33 है कि थर्ड एंग्लो बर्मीज वार, जो थर्ड अंग्रेजों और बर्मीज के बीच जो वार हुआ था, किसके टाइम पे हुआ था? ऑप्शन है रिपन, डफरिन, कर्जन और वेवेल। तो क्वेश्चन नंबर 32 और 33, इन दोनों के आंसर डफरिन है। डफरिन के समय में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसी के टाइम पे थर्ड एंग्लो बर्मीज वार पे हुआ था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 34 और 35, इन दोनों के भी आंसर्स नीचे दिए हुए हैं, पहले प्रैक्टिस उसके बाद आंसर। पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो बंगाल का बंटवारा था, किसके टाइम पे हुआ था? ऑप्शन से हमारे रिपन, डफरिन, कर्जन, वेवेल। और 35 नंबर के सेकेंड दिल्ली दरबार, जो सेकेंड दिल्ली दरबार हुआ था, किसके टाइम पे हुआ था? रिपन, डफरिन, कर्जन और वेवेल। तो इन दोनों के आंसर्स दोस्तों आपको कर्जन है। सो कर्जन के टाइम पे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, मतलब बंगाल का बंटवारा हुआ था और दिल्ली में दरबार लगा था। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको यदि पसंद है या फिर यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हो सक आपको नए नए और आगे वो वीडियो इसी तरह के MCQs मिलते रहेंगे जो लूसेंट और अदर बुक्स पे आधारित होंगे। और इसको लाइक कीजिए और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।